उल्लासनगर 5 के हेडलाइन पुलिस स्टेशन में 19 जून को एक हत्या का मामला दर्ज हुआ था, जिसमें उल्लासनगर 5 के रहने वाले राजा शेजुमल रामनानी ने अपने पिता शेजुमल केरुमल रामनानी की हत्या का मामला दर्ज करवाया था और हेडलाइन पुलिस स्टेशन की तरफ से अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू की और जिसमें पुलिस को आज एक सफलता मिली है। क्राइम ब्रांच के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक महेश तरड़े और इनकी टीम की तरफ से एक भाजी विक्रेता को पकड़ा गया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मृतक ने इस भाजी विक्रेता को 5,000 रुपये उधार दिए थे, जो वह उससे वापस मांग रहा था। इसी बात के चलते इस भाजी विक्रेता ने शेजुमल रामनानी की हत्या कर दी थी। आइए जानते हैं इस पर क्राइम ब्रांच के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक महेश तरड़े जी क्या जानकारी दे रहे हैं। 19 जून को हिल लाइन पुलिस स्टेशन के हद में जो वसार गांव है, वो निर्जन स्थल है। उधर एक शेजुमल केरुमल रामलानी, ये 70 साल का आदमी था। उसका कोई अज्ञात इसम ने उसको गले पे वायर का दबाकर, उसका गला दबाकर उसकी हत्या की थी और बॉडी उधर ही फेंक डाला था। इसके बारे में हिल लाइन पुलिस स्टेशन में 302 IPC ये गुनाह दर्ज था। ये मारेकरी जो था, उसने जो उसको मारा था, वो कोई भी उसमें सुगाव नहीं था। हमारी क्राइम ब्रांच की टीम ने वो स्पॉट का और वो घटनास्थल का और आजू बाजू के जो विटनेसेस थे उनके ऊपर हमने ध्यान दे के और फुटेज प्राप्त करके और हमको एक खुफिया एजेंसी से एक बातमी मिली और वो हिसाब से हमने कल एक ट्रैप रखा और ट्रैप में हमें विट्ठल गणेश दुदोशिया, ये 32 साल का है, ये आरोपी को हमने दबोच लिया। ये एक्चुअली आरोपी जो है वो भाजीपाला का बिक्री करता है और इसका और ये जो मयत था, मयत ने उसको 3 महीने पहले 5,000 रुपये उस ये दिए थे और वो 5,000 रुपये उसके उससे वो मांग रहा था कि मेरा पैसा वापस दो और गाली गलौज कर रहा था। उस टाइम जो आरोपी उसको उसने रिक्वेस्ट किया कि मेरे पास अभी लॉकडाउन है, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं बाद में देता है। फिर भी ये मयत सुना नहीं और उसने उसको गाली गलौज करके मेरे को पैसा कल का कल ही मांगता है। तो फिर इसने मन में एक प्लानिंग किया कि चलो साला उसका अपन ये निकलते काटा निकलते करके उसने 18 तारीख को उसको बोला मैं तुमको पैसा देता है करके उसकी जो गाड़ी थी SS 125 वो SS से सुबह 8 बजे उसको गाड़ी में लिया और वो वसार गांव के उधर उसको लेके उधर गाड़ी से नीचे उतार के उसका तार से उसका गला दबोच लिया और बाद में उसने कंफर्म किया ये मर गया, बॉडी उधर ही फेंक डाल के वो फिर वापस आया था। तो विदाउट एनी जो कुछ भी उसमें ये नहीं था, तो क्राइम ब्रांच की टीम ने ये आरोपी को हमने दबोच लिया है, उसको कोर्ट में पेश किया। 6 दिन तक उसका पुलिस कस्टडी रिमांड मिला है और आगे की तहकीकात सीनियर PI श्री सावन विट्ठलवाड़ी पुलिस स्टेशन हिल लाइन पुलिस स्टेशन कर रहे हैं। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।